ओके तो आज की जो क्लास है बेसिकली आपकी इंडियन हिस्ट्री के मॉडर्न पार्ट में हम हैं, और मॉडर्न पार्ट में ऑलरेडी तीन क्लास हमने आपकी कवर दी है। फर्स्ट पार्ट में हमने 1857 के रिवोल्ट के बारे में था, उसी पार्ट में हमने INC के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया था। सेकंड में जब हम आए थे तो फ्रीडम मूवमेंट पे हम आए थे और 1905 से लेकर 1915 तक की बातें हमने की थी, और जो लास्ट क्लास हमने कवर किया था वो 1916 से लेके संभवतः 1925 काकोरी रेल रॉबरी ट्रेन रॉबरी तक की बातें आज हमने की थी। आज जब तक समय परमिशन देगा तब तक हम आपके 1926 या 1925 के बाद की जो इतिहास है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी बात हम करेंगे। तो चलिए बाद में हम बताएंगे कि हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा या फिर क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन आज 1925 के बाद जो कड़ी जो सदी जो ईस्वी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज 1927। अगर किसी को भी मेरा आवाज ना आए तो तुरंत में पिंग करना कि सर आवाज नहीं आ रही है ना। 1927 का जो इतिहास है वो ये कहता है कि जो मॉन्टेस्क्यू चेक्सफोर्ड आपका रिफॉर्म था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट में, उन चीजों को एक बार आकलन करने के लिए, उन चीजों को एक बार फिर से समायोजित करने के लिए आपकी ब्रिटेन में ही लंदन में ही एक कमीशन को हमने एस्टेब्लिशमेंट किया। उस कमीशन के जो चीफ थे, जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था सर जॉन साइमन। और 1927 में हमने एक कमीशन को फॉर्म कर दिया, ईस्ट इंडिया कमिटी ने कमीशन को फॉर्म कर दिया, और उस कमीशन का नाम दिया हमने साइमन कमीशन। हिंदी में हम इसे साइमन ही कहते हैं बट आयोग कहते हैं। तो साइमन कमीशन फॉर्म हो चुका था। कब फॉर्म हुआ था? तो 1927 में फॉर्म हुआ था। देखिए गलती कहां होती है एग्जामिनेशन में, वही यही बात है, जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से आप काम करेंगे। अगर पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन का फॉर्मेशन कब और कहां हुआ, आंसर इज 1927 इन लंदन। आपसे अगर पूछा जाए कि चीफ का नाम, चेयरमैन का नाम है ना, तो चीफ का जो नाम आप बताएंगे वो बताएंगे सर जॉन। जो मैं लिख रहा हूं दिख रहा है कि नहीं? अरे दिख रहा है कि नहीं? Yes. हाँ, तो चीफ का जो नाम था उसी नाम के ऊपर उस कमीशन का भी नाम हमने दे दिया, दैट वाज सर जॉन साइमन। और उस कमीशन का नाम दिया, उस आयोग का नाम दिया हमने साइमन कमीशन। फॉर्म हो चुका था, लेकिन भारत में इस साइमन कमीशन ने दस्तक अभी तक नहीं दिया था, है ना। तो यहाँ पे 1927 में सिर्फ एक ही बात आपके अकॉर्डिंग, आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जाननी है कि साइमन कमीशन का फॉर्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उसके चीफ कौन थे। तो तीनों बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि साइमन कमीशन का जो फॉर्मेशन है वो आपके ब्रिटेन लंदन में हुआ, सर जॉन साइमन उसके चीफ थे और 1927 की वो करी थी। तो आप एक बार लिख लीजिए 1927 के इतिहास में। किसी की पहली क्लास नहीं है ना? दूसरी है सर। पहली क्लास है सर, मेरी पहली क्लास है। पहली क्लास, हाँ पहली क्लास है ना। तो जो प्रीवियस वीडियो है वो आपके फोकस के यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, वहां पे जाके आप रेफरेंस ले लीजिएगा, जो लास्ट प्रीवियस वीडियो है आपकी इस मॉडर्न हिस्ट्री की, है ना। तो सिलसिलेवार ढंग से आपको मालूम चलेगा कि क्या है। चलिए 1927 के करीब में आप तीन बातें लिखें। पहला कि साइमन कमीशन वॉज फॉर्म, लिखें फटाफट आप लिखें, है ना। या फिर कुछ चीजें अगर छूट भी जाती है बाय मिस्टेक तो डोंट वरी कि आपके जो वीडियो है वो आपके दोनों चैनल पे अपलोड रहेंगे, वहां से जाके आप रेफरेंस ले सकते हैं। साइमन कमीशन वॉज फॉर्म In 1927, under the chairmanship of Sir John Simon in London. तीन बातें 1927। किसी को नहीं समझ में आए, कुछ छूट जाए तो मेरे को एक बार बताइए कि सर छूट गया। चेयरमैन के बाद क्या बोल रहे सर? प्लेस, प्लेस कहां पे है ना, तो प्लेस वॉज लंदन। चलिए अभी यहाँ पे जो 1927 में की जो बातें मैंने की है वो आपके एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछा गया है ना पूछा जाएगा। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट था, एक परिवेश में हम पहुंच रहे थे, इसका आंसर हमने बता दिया कि साइमन कमीशन फॉर्म हो चुका था। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, साइमन कमीशन भारत में कब आया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि साइमन जो भारत में आया दिन था 3 दिसंबर 1928। देखिए ऐसे भी डेट में बहुत कम लिखता हूं लेकिन अगर डेट महीने के साथ लिख दिया है तो समझ जाएं कि आपको याद करना है। तो साइमन कमीशन भारत में पहुंच गया
अलग अलग जगहों पे पहुंचा, लेकिन जो पहला जगह था वो जगह आपका लाहौर था। 3rd of December 1928 में सर जॉन साइमन सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत पहुंच चुका था। किस चीज के लिए साइमन कमीशन आया था, इसकी बात मैंने ऑलरेडी आपके साथ कर दी है कि मॉन्टेस्क्यू चेक्सफोर्ड जो अधिनियम थे या इंडियन काउंसिल जो एक्ट था जिसका ईयर 1909 का था, जिसकी बातें मैंने ऑलरेडी आपके साथ कर ली है, उन चीजों को उनके रूपरेखा को फिर से एक बार संशोधित या एक बार फिर से रिफॉर्म करने की बातें लेकर ये साइमन कमीशन तो भारत पहुंच गया। भारत पहुंचा तो उस समय चूंकि पाकिस्तान हमारे साथ था तो पहुंचा कहां पे, तो लाहौर। तो लाहौर में इस डेट को सर जॉन साइमन साइमन कमीशन को लेकर पहुंच गए। अभी भाई साहब इस साइमन कमीशन का होने लगा विरोध, न सिर्फ लाहौर में इसका विरोध हुआ बल्कि भारत के जो भारत उस समय आपका सम्मिलित भारत था उसके हर एक जगह उस साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। विरोध इस कारण से हो रहा था क्योंकि एक ऐसी कमीशन थी, क्योंकि एक ऐसी कमिटी थी जिसमें भारत के कानून को नया रिफॉर्म करने की बातें कही जा रही थी, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि हमने साइमन कमीशन का विरोध किया है। बहुत बार ये आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया है। दिस इज द ओनली रीजन कि एक ऐसा अधिनियम, एक ऐसा कानून जिसको रिफॉर्म करना है, लेकिन उस कानून को रिफॉर्म करने के लिए भारतीय या भारतों का परामर्श ही नहीं लिया गया या उस कमिटी में किसी भारतीय को शामिल ही नहीं किया गया, तो दिस वॉज द रीजन, है ना, जिसके कारण साइमन कमीशन को अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। लाहौर में जिस व्यक्ति ने प्रोटेस्ट का सामना करने के लिए सबसे अग्रणी भूमिका निभाई और एक नारा दिया, वो नारा एक स्लोगन दिया, वो स्लोगन था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ये व्यक्ति का जो डेथ है वो भी इसी साल हो गया। अब भाई साहब डेथ क्यों हो गया तो भी आप जान लीजिए कि साइमन गो बैक का नारा देते हुए जो व्यक्ति सबसे आगे पुलिस के सामने पहुंच गया उस व्यक्ति का नाम था लाला लाजपत राय। फिर से मैं लिखता हूं, लाला लाजपत राय। ये व्यक्ति नारा दिया साइमन गो बैक। क्यों नारा लगाया, तो कोई भी भारतीय नहीं थे। वो जगह कौन सा था, तो लाहौर का जगह था। वो ईयर कौन सा था, तो 1928 का ईयर था। इस व्यक्ति पे डंडे से वार किया गया है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं आपको बताता ही नहीं कि डंडे से वार किया गया, गोली मार दिया गया, क्या कर दिया। लेकिन लाला लाजपत राय का डेथ कैसे हुआ है, एटलीस्ट पीसीएस लेवल की एग्जामिनेशन है, आपकी जो एसएससी फेज टू की जो एग्जामिनेशन है उसमें एटलीस्ट 5 times ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। तो फिर से मैं बोलता हूँ, लाला लाजपत राय के ऊपर डंडे से, लाठी से वार किया गया था। और जिस व्यक्ति ने लाठी से वार किया, जैसे आपने जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग मैसेकर 13th अप्रैल 1919 को जनरल डायर के नाम से याद रखते हैं कि उसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था और सरकारी आंकड़े के आधार पर 379 लोग का डेथ हो गया था, वैसे ही 1928 में आप उस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे जिस व्यक्ति ने लाजपत राय के ऊपर डंडे से वार किया था। उस इंस्पेक्टर का नाम जो भी आप कह ले, उस जनरल का नाम जो था वो था सांड्रस, SAUNDRAS, सांड्रस। ये सांड्रस कौन है भाई, तो ये सांड्रस आपका पुलिस महकमे का था जिसने लाला लाजपत राय के ऊपर डंडे से वार किया। लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ये तो काम हो गया, लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट लाला लाजपत राय ने अपने मरने से पहले या डंडा खाने के बाद दे दिया, दिस स्टेटमेंट, दिस स्लोगन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इस स्टेटमेंट में लाला लाजपत राय पर जैसे ही डंडे से वार लगा तो भाई साहब डंडे से वार लगा कुछ तो बोलेगा, उसने बोला कि मेरे सर के ऊपर, फिर से बोलता हूं मैं लिखूंगा भी इन चीजों को, मेरे सर के ऊपर प्रहार किया हुआ एक एक डंडा अंग्रेजों की ताबूत में कील साबित होगा। समझ में आया क्या वो, रोहित, रोहित आप हो? यस सर। हाँ, फिर से बोलता हूं मैं, उस चीज को सुनिए और फिर से आप रिपीट कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि लाला लाजपत राय ने डंडे से मार खाने के बाद जो बातें बोली वो ये था
कि मेरे सर के ऊपर प्रहार किया हुआ एक एक डंडा अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगा। इसी लाइन को आप फिर से रिपीट कीजिए जरा रोहित साहब। मेरे सर पर प्रहार किया हुआ एक एक डंडा अंग्रेजों की ताबूत पे कील साबित होगा। अरे क्या बात है, लिख लिया था क्या इतने देर में? सर पिक्चर में भी था ये डायलॉग। अच्छा पिक्चर, अरे पिक्चर का डायलॉग भी याद रखते हो क्या तुम? हाँ हो जाते कभी कभी, असरदार डायलॉग। वेरी गुड, क्योंकि ये डायलॉग नहीं है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय, है ना, भगत सिंह, लाल लाजपत राय, सुखदेव या किसी का भी, किसी भी फ्रीडम फाइटर का नाम आपके पास होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किसने ये, अब डंडे से वार किया गया, तो अभी तक की जो इतिहास है उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम मैं बता रहा हूँ जिसके ऊपर डंडे से वार किया गया है, बाकी कई लोग मरे, कई लोगों को फांसी दे दी गई, लेकिन डंडे से मरने वाला व्यक्ति एकमात्र आपके भारतीय जो आधुनिक भारत है मॉडर्न हिस्ट्री उसमें सिर्फ एक था, लाला लाजपत राय। क्या बोला उसने तो मैं लिख भी देता हूं, आप भी एक बार लिख लें, लेकिन पहले लिखें आप 1928 की बातें को, लिखें पहली बात, लिखें अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, साइमन कमीशन वॉज रेस्ट, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, साइमन कमीशन वॉज रेस्ट ऑन 3rd of December, on 3rd of December 1928 in Lahore, where they receive a massive protest, where they receive a massive protest and slogan of where they receive a massive protest and slogan of Simon go back, and receive a slogan of Simon go back because Simon Commission consists no Indians, because the Simon Commission consists no Indians. Lala Lajpat Rai was bitten by Saunders. Can you just spell please? कहाँ छूट गया मैडम, बताओ कहाँ से छूट गया? Sir spell करो Saunders को। Saunders, Saunders. Lala Lajpat Rai was bitten by Lord Saunders by a stick. As a result, he died. Next point likhe. Before his death, the statement given by Lala Lajpat Rai, I declared that the statement given by Lala Lajpat Rai was double inverted comma mein likhe. The statement given by Lala Lajpat Rai was double inverted comma mein likhe. I declared that the blows struck at me on today will be the last nail in the coffin of British Empire. Coffin of British Empire in India. दिख रहा है ना क्या लिखा मैंने? फिर से मैं बोलता हूं, I declared that the blows struck at me today
will be the last nail in the coffin of British Empire in India. This statement is very important. है ना? हिंदी में अगर कोई लिख रहा है तो वो भी लिख सकते हैं कि मेरे सर पे प्रहार किया हुआ एक एक डंडा अंग्रेजों के लिए कील साबित होगा, ताबूत में कील साबित होगा। अगर इंग्लिश में एग्जाम दे रहे और हिंदी सेंटेंस लिख दिया तो मतलब अभी समझो ये आपने इंग्लिश में दिया राइट? नहीं नहीं एग्जाम कौन सा देना है साहब आपको बताओ। सर कोई भी एसएससी भी बैंकिंग भी हर एक का फॉर्म भर दिया। सर जी आप मेरे को ये बताओ कि वहां पर लिखना पड़ता है या टिक मार्क करना पड़ता है वो पहले बताओ। टिक मार्क आई गेस। फिर लिखने की बात कहां से आ गई? सॉरी सर कौन मारा? फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट। यस सर। लिखना सिर्फ आपको यूपीएससी और पीसीएस के मेंस में है, है ना? ये रेलवे एसएससी के जो एग्जाम्स है वहां पर लिखना नहीं है, सिर्फ नाम देखना है मैच कर रहा है भगवान का नाम लेने का और टिक मार्क कर देने का। ओके yes. समझ में आ रहा है? इसका ऐसे में इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको बता रहा हूं कि अगर हिंदी में कोई नाम चेंज है तो वो भी बता देता हूं ताकि दोनों दोनों मीडियम वाले को कोई दिक्कत ना आए, है ना? दोनों कंफर्टेबल फील करें कि सर ने जो बताया है वो इंग्लिश में ये है और हिंदी में ये है। मैंने बताया कि 1928 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन लाहौर में पहुंच चुका था। डेट भी मैंने आपके साथ शेयर किया है 3 दिसंबर 1928, वो जगह लाहौर। लाल लाजपत राय ने इसका विरोध किया, लॉर्ड सैंडर्स ने इस पे लाठी चलाया और उस कारण से इसका डेथ हो गया, है ना? लेकिन डेथ से पहले ये जो आवाज है ये आवाज आपके एग्जामिनेशन में बार बार घूम घूम के पहुंचा जाता है, इस आवाज को हमेशा अपने साथ रखिएगा। चले यहाँ पे कोई दिक्कत किसी के साथ? किसी के साथ दिक्कत है तो पूछिए मेरे से। No. उससे ही नहीं है चलो क्या? हाँ सर चलो ना। ओके 1927 में एक बातें हमने बताई, 1928 में हमने दो बातें आपको बताई हैं। 1928 के बाद हम चलेंगे 1929 में। देखिए 1929 के करीब तक बहुत लोगों को जेल में रखा जा रहा था। जेल में रखने के बाद आप जेल में खाना कैसा मिलेगा या फिर उनके जो कपड़े हैं उनको कितने दिनों के बाद धुला जाएगा, मतलब जेल की व्यवस्थाओं से एक व्यक्ति जो था वो बहुत ज्यादा क्षुब्ध था, बहुत ज्यादा निराश था। उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति का काम आप दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उस व्यक्ति ने अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा दिनों तक का भूख हड़ताल किया है ना? कितने दिन? तो 63 डेज तक उसने अपने आप को किसी भी खाने से दूर रखा और आखिरी दिन 63rd डे को उस व्यक्ति का डेथ हो गया। ये घटना 1929 की है। जेल के प्रशासन के अगेंस्ट किया हुआ ये हंगर स्ट्राइक था, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट एवर हंगर स्ट्राइक आपके इंडिया में उस कड़ी में किया गया था। 63 डेज का ये हंगर स्ट्राइक था और उस व्यक्ति का नाम था जतिन दास। तो 1929 में बेसिकली तीन बातें आपको जाननी है। एक मैं आपके बोर्ड पे अभी लिख रहा हूं, जतिन दास के द्वारा किया जाने वाला फर्स्ट हंगर इंडिविजुअल स्ट्राइक। देखिए इससे पहले भी मैंने हंगर स्ट्राइक की बात की है आपके साथ, लेकिन वो 1918 में किया था, अहमदाबाद से किया था कि अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने एक कॉमन, है ना, मिल के हंगर स्ट्राइक उन्होंने किया था, लेकिन ये इंडिविजुअल हंगर स्ट्राइक था, है ना? फर्स्ट इंडिविजुअल हंगर स्ट्राइक था, 1929 में किया गया था। व्यक्ति का नाम जतिन दास था और किस कारण से किया गया था तो वो जो रीजन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट अगेंस्ट जेल, अगेंस्ट जेल रूल्स, है ना? रूल के अंदर बहुत सारे चीज आते थे कि खाना 3 टाइम पे मिलना चाहिए या उनके जो ड्रेस हैं वो भी साफ होने चाहिए। तो देयर आर सेवरल रीजन। रीजन में सिर्फ एक ही बात आप जाने कि जेल के प्रशासन के अगेंस्ट किया जाने वाला सबसे बड़ा हंगर स्ट्राइक 1929 में किया गया। कितने दिनों का ये हंगर स्ट्राइक था? 63 डेज का ये हंगर स्ट्राइक था और आखिरी में जतिन दास का डेथ 1929 के ही 63rd डे में हो गया था। लिखे 1929 की पहली बात, लॉन्गेस्ट एवर हंगर स्ट्राइक 1929 की पहली बात लिखे।
longest ever hunger strike called by Jatin Das. Longest ever hunger strike called by Jatin Das against jail rules and against jail rules and food, against jail rules and food. Next point likhen. Jatin Das was died on 63rd day. Jatin Das was died on 63rd days. Jatin Das was died on 63rd day due to his hunger strike. Due to his hunger strike. ओके नेक्स्ट जाने 1929 में बेसिकली तीन बातें आपको जाननी है. पहली बात मैंने आपको बता दी है कि हंगर स्ट्राइक किया गया 63 डेज का किया गया. दूसरी बात फिर से बता रहा हूं एसएससी रेलवे के एग्जाम से हम जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बट एसएससी एंड पीसीएस जो भी कमीशन लेवल के एग्जाम से कर रहे हैं और एसएससी लेवल के एग्जाम से की तैयारी कर रहे हैं याद रखिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस है ना जिसे हिंदी में हम पूर्ण स्वराज कहते हैं. कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग और कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929 में ही हमने बनाया था और 31st ऑफ दिसंबर 1929 डेट बहुत कम लिखा है मैंने लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि फुल इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज की मांग हमने कब की है. स्वराज की मांग 31st ऑफ दिसंबर 1929 को की है. कहां पे किया था तो लाहौर से किया था. हम ये मतलब ये डिमांड कर रहे थे कि हमें पूर्ण आजादी दिया जाए है ना. आजादी देने की कड़ी में ये लाहौर का अधिवेशन था लाहौर का ये सेशन था. किसका सेशन था तो भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं उस समय या कोई और भी नेशनल पार्टी तो थी नहीं. हमने एक ही पार्टी का नाम अभी तक अपने मुंह से लिया है वो है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो 1929 का लाहौर का अधिवेशन हुआ. ये अधिवेशन INC का था. इस अधिवेशन में 31st ऑफ दिसंबर 1929 को फुल इंडिपेंडेंस का डिमांड किया गया. पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया गया था और अलग अलग जगहों पे लोगों ने पूर्ण स्वराज दिवस के लिए पूरा जो कहते हैं ना इवन की रावी नदी जो थी है ना रावी अभी आज के दिन में पाकिस्तान का पार्ट है सिंधु का थोड़ा सा पार्ट आपके इंडिया में है बट रावी नदी के तट पे इस डिमांड को क्या किया गया था तो आधार श्रृंखला दिया गया था. तो आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि रावी नदी या सिंधु नदी बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी. तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज की मांग 1921 में की गई थी. लाहौर का वो अधिवेशन था और वो अधिवेशन किसी और का नहीं INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का था. लिखे 1929 में. दूसरी बात कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज डिमांडेड 1929 में. दूसरी बात लिखे कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज डिमांडेड इन लाहौर सेशन ऑफ INC. कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज डिमांडेड इन लाहौर सेशन ऑफ INC ऑन 31st ऑफ दिसंबर 1929. इन लाहौर सेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस. INC का जो पूरा नाम है क्योंकि आपकी संभवतः पहली क्लास होगी इसका समझ में नहीं आ रहा होगा. INC का पूरा नाम I फॉर इंडियन N फॉर नेशनल C फॉर कांग्रेस जो आज आपका राहुल गांधी सोनिया गांधी वाला कांग्रेस पार्टी है वही पार्टी थी उस समय. सबसे पुरानी पार्टी 1885 में हमने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया. गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय एवं ह्यूम के द्वारा इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था. WC बनर्जी को हमने पहला चीफ बनाया था. चले 1929 में दूसरी बात में कोई प्रॉब्लम आपकी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी सुने अभी ये जो हम डिमांड कर रहे थे डिमांड किस चीज का था भाई तो डिमांड था कि हमें पूर्ण स्वराज दो हमें पूरी आजादी दो. अभी तक पूरी आजादी हमें नहीं मिली थी. हालांकि इंडियंस का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज्यादा आपके हालांकि इंडियन का जो कंट्रीब्यूशन था वो हो रहा था बट अभी भी हम गुलाम थे हमें आजादी नहीं मिली थी. और यही कारण था कि अंग्रेजों को जगाने के लिए कुछ लोगों ने
एक संसद या एक असेंबली जो सदन आज चलती है आपकी लोकसभा राज्यसभा, उस असेंबली में बम फेंकने का निर्णय कर लिया है ना, बोला कि अभी हम लोग आंदोलन करते हैं, इस आंदोलन का कोई नतीजा होता नहीं है, ये आंदोलन इंडिया के इंडिया में ही खत्म हो जाती है, कुछ ना कुछ तो ऐसा करो जिसकी गूंज न सिर्फ हिंदुस्तान के दीवारों पर सुनाई दे बल्कि ब्रिटिश इंडिया के संसद में भी इसकी गूंज हो। तो एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था भगत सिंह, और दूसरा जिसने उसको एसोसिएट किया या जिसने उसका साथ दिया इस असेंबली बॉम्ब कांड में, उसका नाम था बटुकेश्वर दत्त। फिर से बोलता हूँ, ये नाम थोड़ा सा खामोश सा रहा है लेकिन आपके लिए खामोशी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आपको दिखती है कि बटुकेश्वर दत्त के द्वारा किया जाने वाला जो मूवमेंट है या फिर जो आपका आंदोलन है वो कौन सा है। तो फिर से बोलता हूँ, 1929 में तीसरी बात आप जामे नेशनल असेंबली पे बम फेंका गया था। ये बम जो भगत सिंह या बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था उसका ये कारण था, उनका मतलब ये कारण नहीं था कि अंग्रेजों को मारना, ये कारण नहीं था, उनका ये कारण था कि हमें अपनी आजाद को बुलंद करना है। इस कारण से चलते सदन में बम फेंका गया, बम एक खाली जगह में फेंका गया था, हालांकि सब लोग वहां से भाग गए। बहुत ज्यादा समय आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के पास था अपने आप को वहां से भगा लेने का, बट ऐसा उन दोनों ने नहीं किया, उन दोनों ने अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया। उन दोनों ने बोला कि मुझे गिरफ्तार कर लो, तो गिरफ्तार कर लिया गया था भगत सिंह को भी और बटुकेश्वर दत्त को भी। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। बटुकेश्वर दत्त को भेज दिया गया था अंडमान निकोबार में सजाई काला पानी की सजा में, बाद में हालांकि उन्हें छोड़ भी दिया गया था 1936 में। लेकिन भगत सिंह को हमने कुछ दिनों के बाद फांसी की सजा दे दी थी, जिसकी बात हम 1931 के करीब में करेंगे। अभी सिर्फ आप इतनी ही बात जाननी और लिखनी है कि 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, बम नेशनल असेंबली में फेंका गया था। यही दो काम आपको जानना है, नाम और उनका काम लिखें। तीसरी बात 1929 में लिखें भगत सिंह अलोंग विथ बटुकेश्वर दत्त। स्पेलिंग में बटुकेश्वर दत्त का लिख देता हूं, भगत सिंह का आप लिख सकते हैं बटुकेश्वर, भगत सिंह अलोंग विथ बटुकेश्वर दत्त तो आप लिख सकते हैं DUTTA है ना, भगत सिंह अलोंग विथ बटुकेश्वर दत्त। Thrown a bomb in National Assembly. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt thrown a bomb in National Assembly. Next point likhen. Later on, both were sentenced to life imprisonment. Later on, both were sentenced to life imprisonment. दोनों को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। Later on, both were sentenced to life imprisonment. आजीवन कारावास। Life imprisonment. Okay. 1929 द एंड है ना। लेकिन द एंड होने से पहले मैं जब देखता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं कितनी बातें याद रखे हैं। प्रतीक त्रिपाठी गायब है, स्नेहल ये माइक जो म्यूट होता है तो फिर अनम्यूट का फैसिलिटी नहीं आता है क्या जूम में? स्नेहल आवाज आ रही है? मृणाली पवार आवाज आ रही है आपकी? यस सर। नहीं, मृणाली पवार। यस सर। हाँ मृणाली पवार मैडम, ये बताइए कि हमने 1927 में क्या किया था? साइमन कमीशन का एंट्री एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1927 में। हाँ सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन चलेगा। मेरे को सिर्फ वो डेट बता दो जिस डेट को हमने राखी दिवस मनाया था, और राखी दिवस हमने सिर्फ और सिर्फ
एक ही कारण बनाया था, वो कारण बताइए और वो डेट बता दीजिए, राखी दिवस। इतना हिंट देता हूं, राखी दिवस उस व्यक्ति ने बनाने का आह्वान किया था जिस व्यक्ति को 1913 में हमने नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर दिया था। भारत और बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखने वाला वो व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ हाँ, मुझे डेट चाहिए मैडम, और क्यों बनाया गया वो चाहिए, वो तो मैं इंसान का नाम बता रहा हूँ। क्यों मनाया गया राखी दिवस और कब मनाया गया राखी दिवस? आप थी लास्ट क्लास? हाँ लास्ट क्लास थी। उसके लास्ट क्लास थी बंगाल का जिस समय विभाजन हमने किया था 1905 में, उस समय आप थी? हाँ थी सर। फिर कैसे हो गया, मेरा नोटबुक नहीं था क्या उस समय? देखिए 1905 में हमने स्वदेशी आंदोलन बताया था, स्वदेशी आंदोलन के ऊपर हमने बंगाल का विभाजन भी बताया था, और तीसरी बात में हमने आपके राखी दिवस भी बताया था, है कि नहीं? हाँ यस। थोड़ा सा याद करके बैठिएगा तो अच्छा लगेगा, अच्छा इस कारण से लगेगा कि आपका प्रैक्टिस होगा, है ना, क्योंकि सिलेक्शन आपका होने वाला है, मेरा तो कुछ सिलेक्शन होना नहीं है कि नहीं, सिलेक्शन आपको लाना है या आपको नहीं, आपके साथ जितने भी पढ़ रहे हैं उनकी सिलेक्शन चाहिए तो काम तो उनको करना पड़ेगा, जगाना मेरा काम है, कर्तव्य है, तो मैं हमेशा आपको जगाता रहूंगा, बट इस दिशा से चलिएगा सिलेक्शन होगा, वो दिशा थोड़ी सी भ्रमित हो जाएगी, तो जो आज भी भीड़ लगी है ना कॉम्पिटिशन के एग्जाम को देखने का, वही सिर्फ भीड़ लगा रहेगा, सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अच्छा अभी कौन सा ईयर पे हम थे? 1929 पे थे ना? हाँ सर। चलिए 1930 पे हम आते हैं, 1930 की घटना पे हम आते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है पूछिए, बोलो। चलो के पास क्वेश्चन नहीं, ठीक है चलिए 1930 पे हम चलते हैं। 1930 में आप जाने कि ब्रिटेन से नमक आता था, हालांकि नमक अभी भी आपके इंडिया में ही बहुत सफिशियंट, जितना हमें चाहिए उतनी मात्रा में होता है। नमक कैसे होता है ये बताने की बात संभवतः मुंबई के स्टूडेंट को नहीं है, क्योंकि आप जब भी जाएंगे आप उस वेस्टर्न लाइन से ना उधर मीरा रोड से आगे कौन सा जगह पड़ता है भाई, बोरीवली से आगे आप जाते हो ना, हाँ धईसर, वो क्या है पता नहीं, एक दो बार मैं गया हूँ धईसर, और क्या है मैडम उधर, जब फिर से एक बार ताजा करवा दो यादें, वो देखा है ना कि लोग वो पानी का वो बना के एक ब्रैकेट बना के उसमें नमक करते हैं, है ना? हाँ सर, मीरा रोड वेस्ट में है सर वो। अच्छा अच्छा, मीरा रोड वेस्ट। देखिए अपने खुद की जुड़ी हुई चीजें कितनी सर, मीरा रोड वेस्ट में, बिल्कुल मेरे घर के बाजू में सर आओ आप, ठीक है। सुने क्या है, तो 1930 या उससे पहले तक की जो बातें थी उसमें ब्रिटिश लोग ये चाहते थे कि जो नमक हम भेजते हैं, जो नमक हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब ब्रिटिश वाले हम एक्सपोर्ट करते थे तो इंडियन वाले इंपोर्ट करते थे, तो वो यही चाहते थे कि हम ही नमक भेजते रहें और इंडिया में वही नमक चलता रहे, क्योंकि एक ऐसी कमोडिटी है जिसका यूज हर एक व्यक्ति को है होना है, इस कारण से हमारे रेवेन्यू हमारे पैसे के लिए नमक इंडिया में क्या होना चाहिए, तो प्रोड्यूस प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसा सख्त कानून को पास किया था जिसमें नमक का प्रोडक्शन आपके इंडिया में नहीं करने की बातें की गई थी। अब इंडिया में इतना समुद्र है तो ऑब्वियसली बात है कि समुद्र के किनारे तो नमक तो यूं ही हो जाते हैं, तो इससे हानि हो रहा था उनका, जो समुद्र या फिर उस इलाके जहां पे वो आसानी से नमक को क्या कर सकते हैं, तो उत्पादित कर सकते हैं। अब भाई साहब अब कानून तो बन गया है, नमक कानून है ना, सॉल्ट लॉ तो बन गया है, इस लॉ को तोड़ने वाला कौन होगा, तभी तो ये लॉ टूटेगा, क्योंकि ये लॉ तो इतना कड़ा है जिसमें सॉल्ट बनाना ही नहीं है आपके इंडिया में। इस लॉ को तोड़ने वाला एक ही शख्स उस समय भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय था, वो वही व्यक्ति था जिस व्यक्ति को हमने दक्षिण अफ्रीका से साउथ जोहानिसबर्ग से पंडित राजकुमार के शुक्ला के आह्वान पे हमने आपके इंडिया में बुला के 1917 में हमने उसके पहले सत्याग्रह की शुरुआत बिहार के चंपारण से कर दी थी, और संभवतः उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी था। तो गांधी जी चल दिए इस नमक कानून को तोड़ने के लिए और पहुंच गए वो समुद्र के तट पे और उन्होंने बना दिया नमक। जैसे ही ये नमक को बनाया गया
लॉ ऑटोमेटिक क्या हो गया, एबॉलिश होने के कगार पे पहुंच गया, लेकिन वहीं से एक नया आंदोलन, एक नया मूवमेंट की शुरुआत हो गई, जिस मूवमेंट को नाम हमने दिया सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसे हिंदी में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया है। तो अगर हिंदी में कोई लिख रहे हैं समझने के लिए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका नाम था सिविल, सिविल मतलब हम और आप हैं, डिसओबीडियंस अगर ओबीडियंस हो जाते तो हम उसका पालन करते, तो साहब हम ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके ऑडियंस ने आपके क्या है तो ओबीडियंट नहीं है, डिसओबीडियंस है, मतलब हम आपके लॉ को तोड़ेंगे। सिविल डिसओबीडियंस और मूवमेंट 1930 में शुरुआत की गई थी, किस चीज के लिए शुरुआत की गई थी, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए, हमने साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस की मूवमेंट की शुरुआत की। हिंदी में हमने इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया। अभी और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप जाने 1930 में, दूसरी बात लिख रहा हूं और आप हर हमेशा याद रखिएगा 240 माइल, जैसे लिख रहा हूं उसी कड़ी में आपको याद करना है 240 माइल 384 किलोमीटर, ये क्या है मैं बाद में बताता हूं। उसके बाद लिखता हूं 24 डेज, उसके बाद लिखता हूं 78 फॉलोअर, और उसके बाद लिखता हूं फ्रॉम साबरमती टू दांडी, एंड दिस इज कॉल्ड दांडी मार्च। अभी बोलता हूं क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा है कि महात्मा गांधी इस नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती से दांडी, साबरमती अभी आश्रम भी है आपके अहमदाबाद में, तो साबरमती से दांडी है ना, अपने 78 फॉलोअर्स के साथ निकल गए, और इस ये जो दूरी थी ये दूरी उन्होंने 24 दिनों में तय की है, और ये दूरी कितनी है तो 240 but not किलोमीटर। फिर से यहां पर देखें डिफरेंस, और यही डिफरेंस आपके एग्जाम में आपको दिखेगा, कहीं 240 किलोमीटर पर मार दिया सत्यानाश हो जाएगा, 240 वाज द माइल, अगर किलोमीटर में वो क्वेश्चन है तो आप 384 किलोमीटर पे टिक लगाएंगे। दिस इज ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को चूंकि दांडी तक हम पहुंचे थे, इस कारण से अदर शब्दों में हमने इसे नमक कानून या फिर दांडी मार्च का भी नाम दिया है। अभी पूछा जाएगा कि दांडी मार्च कब हुआ, अभी पूछा जाएगा कि दांडी है ना, अहमदाबाद से दांडी की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, पूछा जाएगा कि हम जो महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह दांडी मार्च की ओर निकले थे कितने फॉलोअर्स थे उनके साथ, पूछा जाएगा कि कितने दिनों में उन्होंने इस नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती से लेकर दांडी तक यात्रा की थी, तो सबके आंसर संभवतः आपके दो ही लाइन में है कि दांडी यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा 24 दिनों में 240 माइल्स, तो संभवतः इस दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं, बट 240 माइल है किलोमीटर नहीं है, क्योंकि आपके इंडिया में किलोमीटर चलता है, बट इतिहास के पन्नों में माइल ही लिखा हुआ है, और उस समय उनके साथ जो फॉलोअर थे वो 78 थे। पहली बात 1930 में लिखें, उसके बाद आपके पास जो कंफ्यूजन होगा वो मेरे से पूछेगा, अभी आप लिखें 1930 में पहली बात लिखें, महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब आई जब बेड़बर्बक, किसी का माइक ऑन है, महात्मा गांधी को स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय द टाइम टू ब्रेक साल्ट लॉ, है ना, साल्ट लॉ क्या है ये आप समझ गए हैं। देखिए अभी जितनी बात मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्टार्टिंग फ्रॉम 1987 टू है ना अभी तक की जो बात पढ़ाऊंगा इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये नोट्स कहाँ अवेलेबल हैं इसकी बात मैं नेक्स्ट संडे आपके क्लास में बताऊंगा, वहां से आप पीडीएफ में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अभी आप टेंशन मत लें कि सर जो आप इतना बड़ा बोलते हैं और लिखाते हैं दो लाइन का, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो मैं आपको कंसेप्ट लिखा रहा हूँ, इस कंसेप्ट का पूरी पूरी जो थ्योरी है वो आपको लिखी हुई अगले क्लास में मिलेगी। किसी का माइक ऑन है, अगले क्लास में आपको मिलेगी, कब और कहां इसकी बात मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर करूंगा कि कहां से आप डाउनलोड करें।
हाँ क्या लिखा रहा था मैं लिखा रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी टिल द टाइम अगेंस्ट टू ब्रेक साल्ट लॉ. नेक्स्ट लिखे महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज जर्नी टू ब्रेक साल्ट लॉ. महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज जर्नी टू ब्रेक साल्ट लॉ फ्रॉम साबरमती आश्रम to Dandi, है ना. ये बहुत बड़ा नमक का नमक के लिए बहुत फेमस जगह है ये. अभी आप देखते भी हो नमक था ना एक दांडी नमक थी. दांडी नमक आता था क्या? अरे दांडी नमक देखा है? नो सर. नहीं देखा है? अरे कमाल है यार. मैं तो देखा ठीक है हो सकता है नहीं देखा. चलो अभी सिर्फ पतंजलि नमक देखा है. रिपीट करो सेंटेंस. रिपीट करता हूँ डोंट वरी. महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी विथ हिज 78 फॉलोअर्स इन 24 डेज. 78 फॉलोअर्स इन 24 डेज which covers 240 miles / 384 kilometer famously known as Dandi March. क्योंकि पैदल चले थे ना तो पैदल चलना मार्च है तो इसका आंसर दांडी मार्च है. ये famously known as Dandi Yatra. अब क्या था ये दांडी यात्रा भाई? एकदम बिल्कुल एकदम सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ. इससे सरल संभवतः आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की इतिहास नहीं हो सकती. इतने सरल शब्दों में मैंने आपको बताया है. चाहे वो जालियांवाला बाग हो, चाहे वो चौरी चौरा हो, चाहे वो काकोरी ट्रेन डकैती हो, या फिर रोलर ट्रैक जैसी बात हो. तो एकदम आसान से समझिए. फिर आपको जो मैं थ्योरी दूंगा जिसमें संभवतः यहाँ पे एक दो बातें और लिखी है तो आसानी से आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्डअप हो सकता है. फेमसली नोन एज दांडी मार्च. यहां तक कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? नो सर. पक्का? नो सर. देखिए अभी इतने सत्याग्रह हो रहे थे 1905 से लेके 1930 में. इतने सत्याग्रह हो गए, बम तक चल गया, ट्रेन तक लूट लिया गया था, जालियांवाला बाग में इतनी बड़ी घटना हो गई थी. अभी एक गवर्नर था वहां का, राजा था, उसने बोला कि भाई ये बहुत हो गया बम कांड वाली बात, आंदोलन वाली बात, अभी कुछ सुलह का रास्ता निकालना चाहिए, है ना. और सुलह का रास्ता तभी निकल सकता है जब दो लोग आमने सामने, अगर मेरे और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट है और मैं चाहता हूं कि कोई सुलह का रास्ता, मध्यम मार्ग, कॉमन मिनिमम पाथ निकले, तो संभवतः आपको और हमें दोनों को एक ही बेंच पे आके बैठना पड़ेगा. जैसे नरमगढ़ धरमगढ़ और मुस्लिम लीग 1916 में लखनऊ में आके बैठे थे. तो यहाँ पे कहा जाने लगा कि भाई साहब अब इंडिया से लोगों को बुलाओ, हम लोग उनके साथ समझौता करना चाहते हैं. और समझौता तभी होगा इंडियंस के साथ जब इंडियंस आके उनके टेबल पे बैठेंगे. और ये जो टेबल पे बैठने की घटना है, इस घटना को जिस नाम से भारतीय राजनीति इतिहास में जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. नाम किसी ने सुना है क्या? हाँ सर. यस सर. गोलमेज सम्मेलन नाम सुना है? यस सर. यस सर. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. हाँ तो अभी सुनिए, गोलमेज सम्मेलन आपके एग्जामिनेशन से किस अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है. कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? आंसर इज 3. 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं. ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं ये कब कब हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. संभवतः पहला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा. अगर पहला याद है तो सेकंड ऑटोमेटिक याद होगा और थर्ड ऑटोमेटिक आपको रिलेट कर सकते हैं तो किस सीक्वेंस में हुआ है. हर एक ईयर के बाद दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है ना. लेकिन पहला आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ. तो आप उसी कड़ी में याद रखिएगा जिस कड़ी में हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का नाम बता रहे थे, जिस कड़ी में हम दांडी मार्च की यात्रा बता रहे थे, उसी कड़ी में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है. तो आपसे पूछा जाए कि दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ तो आसानी से आप उसका आंसर 1931
और तीसरा कब हुआ 1932 के करीब में आप दे सकते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। मैं बोर्ड पे आ रहा हूं एक मिनट में, फिर भी आप सुनते रहे जो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि तीन बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है। पहली बार हमने 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया है, दूसरी बार हमने 31 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया है, और तीसरी बार हमने 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया है। हर एक बार जो ब्रिटिशर्स थे वो यही चाहते थे कि वहां की जो लीडिंग पार्टी है वो पार्टी आके हमारे साथ क्या करे, तो वो पार्टी आके हमारे साथ समझौता करे। लेकिन संभवतः ब्रिटिश का जो ये अपेक्षा था ये अपेक्षा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं इस तीन में से सिर्फ एक ही ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें कांग्रेस और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जैसा बड़ा नाम ने पार्टिसिपेट किया। बट ये जो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं इस तीनों में पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, इस तीनों में पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें उस व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया जो भारत का राजनीतिक गुरु है, एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाम क्या है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, इतना तो मालूम होना चाहिए संभवतः। बाबा साहेब अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, सीधी सी बात है। तो बी आर अम्बेडकर ने 1930 में पार्टिसिपेट किया, 31 में भी पार्टिसिपेट किया, और 32 में भी पार्टिसिपेट किया है। लिखे 1930 में तीसरी बात, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन ये तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां हुआ? लंदन वाले जो महामहिम है वो तो इंडिया में आएंगे नहीं, इस कारण से उन्होंने लंदन में बुलाया था। लिखे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन ज्वाइंड बाय बी आर अम्बेडकर। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन ज्वाइंड बाय बी आर अम्बेडकर। और स्पष्ट लिखे नोट में लिखे, स्पष्ट लिखे और नोट में लिखे, कांग्रेस वॉजंट पार्टिसिपेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, और बहुत बार पूछा जाता है कांग्रेस ने कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था, तो कांग्रेस वॉजंट पार्टिसिपेटेड वो लिखें। चलिए 1930 के बाद हम चलते हैं 1931 के कड़ी में। 1931 में पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके बोर्ड पे लिखी हुई है, और वो बातें मैंने आपके साथ संभवतः बता भी दी है। तो लिखे 1931 में पहली बात, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। लिखे भी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन where महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड आईएनसी, where महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड आईएनसी, इंडिया को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को। जिस व्यक्ति ने रिप्रेजेंट किया वो व्यक्ति आपका महात्मा गांधी था। एक मिनट, 6371। तो ये थी 1931 की पहली बात। दूसरी बात जाने, बोलिए बोलिए। महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड आईएनसी, इंडिया एंड ठीक है, अभी नॉर्मल हुआ कुछ, कनेक्टिविटी कैसे था, इंडिया एंड आईएनसी, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात लिखें, देखिए जब महात्मा गांधी पहुंच गए तो भाई साहब अब कुछ तो बड़ी बातें होगी, यहां से बड़ी बातें होनी भी शुरू हुई कि महात्मा गांधी के साथ
उनके समकक्ष में सामने में जो व्यक्ति मौजूद था वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था और उसका नाम था IRWIN इरविन, और इसको बोला भी जाता है गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। संभवतः आपसे नहीं पूछा जाएगा कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ। गांधी इरविन पैक्ट बोले या फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोले, दोनों एक ही बात है, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ऐसा कॉन्फ्रेंस था, तीनों कॉन्फ्रेंस में एकमात्र ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया, और महात्मा गांधी का समझौता जिस व्यक्ति के साथ, जिस ब्रिटिशर्स के साथ हुआ, उसका नाम था लॉर्ड इरविन, और इसको भारतीय इतिहास में जिस नाम से जाना गया वो नाम था गांधी इरविन पैक्ट। अभी ये गांधी इरविन पैक्ट में क्या था तो आप जान लें कि क्या था वो छोड़ दीजिए, बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन इरविन साहब ने ये बोला कि जितने भी आंदोलनकारी हमने अभी तक गिरफ्तार किए हैं उनको हम रिलीज कर देते हैं। अच्छी बात थी कि जितने भी आंदोलनकारी थे वो जेल से अगर आजाद हो जाते तो अच्छी बात थी, एक्सेप्ट जिन्होंने बहुत ज्यादा वायलेंस किया था उसको बोला कि हम आजाद नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि भाई जितने भी अभी तक छोटे बड़े थे उनको हम रिलीज कर देंगे। दूसरा था कि आप जो सांप्रदायिक डिस्टेंस फैला रहे हैं, है ना, क्योंकि हरिजन के लिए बहुत ज्यादा महात्मा गांधी सक्रिय थे, इसको आप नहीं करेंगे। तो इरविन के ये कहने के बावजूद महात्मा गांधी ने उनके जो भी प्रपोजल दिए गए, जो भी मेमोरेंडम दिया गया, उसको एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन ये बातें गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानी गई, और महात्मा गांधी ने अपने 1930 के चलते हुए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। फिर से बोलता हूं, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुई संभवतः ये ना पूछा जाए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1 अगस्त को शुरुआत हुआ या नहीं हुआ ये ना पूछा जाए, लेकिन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस क्यों लिया गया ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब और किसने सस्पेंड किया ये इंपॉर्टेंट है। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 में महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था, उसको गांधी और इरविन के पैक्ट के होने के बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया है, यह आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 12th of Feb 1922 की घटना। आपने याद रखिए कि महात्मा गांधी ने अपने चलते हुए नॉन कॉर्पोरेशन और सहयोग मूवमेंट को वापस लिया था। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ शेयर कीजिए, संभवतः जिनकी आज पहली क्लास होगी उनके साथ दिक्कत आएगी, तो आएगी तो डोंट वरी, आज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल के आज फिर से समायोजित हो जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी अगर एक दो क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट हैं और उनको अभी भी दिक्कत आ रही है तो मेरे साथ प्लीज शेयर कीजिए, नहीं शेयर कीजिएगा कंफ्यूजन ही बना रहेगा, कंसेप्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। किसी के साथ है कंफ्यूजन तो किसी के साथ नहीं रहता है, मेरे से कंफ्यूजन शेयर करो भाई, शेयर ही नहीं करता है कोई। अरे हम जब पढ़ा करते थे 10-12 साल पहले इतने क्वेश्चन पूछते थे कि वो जो ट्यूटर था वो चाहता ही नहीं था कि बंदा सामने में आके बैठे, इतने क्वेश्चन पूछेगा। एक आप है गांधी जी की तरह, यस सर जो बोल दिया आंदोलन कर दिया, यस सर, 1930 में मैंने बोला 1930 में भारत आजाद हो गया, यस सर, ऑल एक्सेप्टेड सर, कैसे काम चलेगा। चले क्या बोल रहा था मैं, गांधी इरविन पैक्ट, हम 1931 में थे, लिखे पहली बात मैं ऑलरेडी आपके साथ लिखा रहा था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन वेयर महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड INC। दूसरी बात लिखें, द पैक्ट, पैक्ट PACT जिसे हिंदी में हम समझौता करते हैं, द पैक्ट वॉज इन बिटवीन गांधी एंड इरविन, द पैक्ट वॉज इन बिटवीन गांधी एंड इरविन, famously known as the pact was in between Gandhi and Irwin, famously known as Gandhi-Irwin Pact, famously known as Gandhi-Irwin Pact. Third point likhiye, as a result, Mahatma Gandhi suspended, underline kijiyega और स्टार मार्क लगाइएगा, एज ए रिजल्ट महात्मा गांधी सस्पेंडेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, एज ए रिजल्ट महात्मा गांधी सस्पेंडेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट।
सस्पेंडेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. अभी गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी को अच्छा नहीं लगा, गांधी जी ने उसे अस्वीकार कर दिया और गांधी जी वापस लंदन से पहुंच गए भारत. जब वहां पे एक आदमी, जिस आदमी के नाम का चलाया हुआ पिज्जा और बर्गर आप बहुत खाते हैं, वो नाम था मैकडोनाल्ड, है ना. तो मैकडोनाल्ड ने ये जो फेल्योर हुआ था, बेसिकली जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ वो फेल हो गया क्योंकि महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया उनके जो भी प्रपोजल दिए गए थे, तो फेल हो गया. इस फेल्योर को अपना हथियार बनाते हुए मैकडोनाल्ड ने फिर से डिवाइन एंड रूल की पॉलिसी खेली और उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इंडिया में एक जो कम्युनल है, जो पिछड़े जनजाति है, उनके लिए अलग कानून बना दिया, उनके लिए अलग जो निर्वाचन की पद्धति है वो बता दिया कि इलेक्शन इनका ऐसे होगा, ये यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे काम करेंगे. तो दैट इज कॉल्ड मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड. फिर से बोलता हूं, आपसे बार बार पूछा गया है कि मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड कब घोषणा हुई. आंसर इज 1931. क्यों हुआ भाई? तो चूंकि गांधी इरविन पैक्ट फेल हो गया था और इस कारण से इंडिया में फूट डालो राज करो की नीति अपनानी थी, इस कारण से एक वर्ग को, एक ऐसा पिछड़ा वर्ग जो हमेशा से पीछा रहा, उसको एक नया आप अगर पार्ट बना देंगे कि आप चुनाव से दूर रहेंगे या आपका चुनाव अलग से होगा, आप इस नौकरी में काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए, क्योंकि महात्मा गांधी उन्हीं के लिए काम करते थे, हरिजन के लिए बहुत ज्यादा काम करते थे, बैकवर्ड के लिए बहुत ज्यादा मसीहा थे, तो बेसिकली महात्मा गांधी को ही टच करने के लिए उनको, है ना, एक नया रास्ता दिया गया और कम्युनल अवार्ड की घोषणा की. ये कम्युनल अवार्ड का घोषणा जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था मैकडोनाल्ड. लिखे तीसरी बात 1931 में मैकडोनाल्ड, MCMANLD, जो मैकडोनाल्ड आप देखते हैं, मैकडोनाल्ड अनाउंस्ड, मैकडोनाल्ड अनाउंस्ड कम्युनल अवार्ड वेयर, मैकडोनाल्ड अनाउंस्ड कम्युनल अवार्ड वेयर देयर वेयर मेनी प्रोविजन, where there were many provision from selection to separation, where there were many provision from selection to separation for backward class. में तीसरी बात आप जाने कि हमने तीन लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया था और ये तीनों हमेशा के लिए आजाद हो चुके थे. नाम था भगत सिंह, नाम था सुखदेव और नाम था राजगुरु. ये घटना 1931 में हुई थी और यही वो भगत सिंह है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था. ये भगत सिंह जिस व्यक्ति के साथ चल के इलेक्शन असेंबली पे बॉम्ब फेंका था, उसका नाम था बटुकेश्वर दत्त. पहले तो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, बाद में भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को हमने, है ना, क्या किया, तो हैंग टिल डेथ की सजा सुनाई और उन्हें फांसी पर, बेसिकली उनको 24 तारीख को फांसी पर चढ़ाना था, 24 मार्च को फांसी पर चढ़ाना था, लेकिन 24 मार्च को कोई बड़ा प्रोटेस्ट ना हो जाए इस कारण से आनन फानन में एक दिन पहले ही 23 मार्च को ही रातों रात उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था. आपके लिए डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, 24 था या 23 था, उस पर आप मत जाएं. आप सिर्फ 1931 की तीसरी बात पे आप जाएं कि भगत सिंह अलोंग विथ राजगुरु एंड सुखदेव वॉज हैंग्ड, क्योंकि ये सब वो असेंबली कॉन्स्पिरेंसी में थे, जो बॉम्ब की कॉन्स्पिरेंसी थी लाहौर वाली, उसी में था, जो असेंबली पे बॉम्ब फेंका गया था वो असेंबली कहाँ है वो संभवतः मैं छूट गया बताना, तो आप जाने कि लाहौर, क्योंकि वो 1929 में सारी चीज लाहौर में ही चल रही थी, है ना, वो आपका लाजपत राय भी 28 में लाहौर में ही घूम रहा था, पूर्ण स्वराज भी हमने, क्योंकि उस समय जो INC का क्षेत्र बना हुआ था वो लाहौर का ही था, इस कारण से लाहौर कॉन्स्पिरेंसी या फिर लाहौर असेंबली बॉम्ब, ये दोनों एक ही घटना है. और हमने बटुकेश्वर दत्त को तो बाद में रिहा कर दिया, लेकिन बेचारा ये जो तीन आदमी है, मैं ना, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, ये सदा के लिए चलते बने. 1931 तीसरी बात आप लिख सकते हैं, लिख लें. कोई दिक्कत? हाँ या ना? नहीं, ठीक है, गुड.
1931 के आगे हम चलते हैं 1932 अनम्यूट करने में टाइम लग गया। ये आपने गांधी अर्बन पैक्ट का डेट बताया था कि 1931 में कुछ पर्टिकुलर डेट याद रखना है क्या कि नहीं रखेंगे तो चलेगा? इसमें मैडम गांधी अर्बन पैक्ट जो आपने बताया था 1931 मैडम नहीं 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 डेट याद रखना है बट डेट के पचरे में अभी नहीं जाइए। हालांकि याद रखना है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कब हुआ वो डेट भी याद रखना है, लेकिन अभी मैं इन चीजों से दूर हो रहा हूँ क्योंकि इतिहास बड़ा और टफ इस कारण से दिखता है क्योंकि बहुत सारे डेट हैं। मैं आने वाले समय में ऑटोमेटिक डेट आपको दूंगा, कब और कैसे दूंगा उसको आप छोड़ दीजिए। जितना मैं लिखा जितना डेट मैं लिखाता हूँ उतना ही याद करने का अभी। ओके सर, आपने कुछ 12 वगैरह कुछ तो बोला ना इसलिए किसमें मुझे ऐसा लगा आपने गांधी ओवन पैक का कुछ 12 ऐसा कुछ डेट बताया था ऐसा। नहीं नहीं डेट अभी अपने मुंह से मैंने नहीं खोला है, हालांकि गलती से ये भगत सिंह में डेट मेरे मुंह से खुल गया था 24 या 23 मार्च का, बट उसको भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि लिखने के लिए नहीं है ना। डेट मैं जब मैं बोर्ड पर लिख दूंगा ना तो समझ जाए कि आपको लिखना ही है ना। जब तक मैं बोर्ड पर ना बोलूं और ऐसे ही बोलता रहूं तो कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं ऑटोमेटिकली किसी न किसी कंसेप्ट में वो डाल के आपको बता दूंगा, डोंट वरी। किस्मत थे भाई हम 1932 में ना 1932 में sir. पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपके पास है ही, वो क्या है तो आखिरी का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था क्या? कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था क्या? अरे कोई तो मुंह खोलो बोलो। पता नहीं सर। No. कितनी बार मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने एक ही ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, बहुत बार मैं बता रहा हूँ, कितनी बार मैं बोला हूँ अपने मुंह से कि एकमात्र ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया वो 1931 का था, दूसरा था जिसमें गांधी इरविन पैक्ट हुआ है ना। अदर देन सेकेंड कोई भी ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ थ्री नहीं था जिसमें कांग्रेस या कांग्रेस की ओर से किसी व्यक्ति ने अपने आप को पार्टिसिपेट किया हो। तो आंसर तो यही साफ हो जाती है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने अपने आप को पार्टिसिपेट किया था क्या? नहीं नहीं ठीक है, लेकिन कौन पार्टिसिपेट करेगा इसकी बात डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ये जो बाबा थे इन बाबा ने सब में पार्टिसिपेट किया और इतना ज्यादा कानून के विशेषज्ञ हो गए कि उन्होंने भारत के पूरी इंडियन पॉलिटी को फ्रेम कर दिया, इतने आर्टिकल इतने शेड्यूल और इतने पार्ट में तोड़ के, जिसकी बात हम इंडियन पॉलिटी में करेंगे। अभी आप लिखे 1932 और 1932 में लिखे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन लंदन, कहां हुआ था, लंदन या लाहौर? लंदन सर। यस सब के सब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इरविन बाबा मैकडोनाल्ड बाबा तो आएंगे नहीं, इस कारण सबको उन्होंने बोला कि उधर ही आ जाओ, उधर भी हम चिकन बिरयानी खाएंगे, उधर ही हम बात करेंगे। इस कारण से लंदन में हुआ। ये क्यों बताता हूँ चिकन बिरयानी खाएंगे, क्योंकि आपको याद रहे कि साहब ने सर ने बोला था कि उधर ही आ जाओ, कुछ तो सर ने हंसी मजाक में बोला था तो ही याद रहेगा, नहीं तो लंदन लाहौर अच्छे ऐसा लग रहा है कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता उस समय सर्कल में था, बट कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन वेयर बी आर अम्बेडकर रिप्रेजेंटेड इंडिया, वेयर बी आर अम्बेडकर रिप्रेजेंटेड इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अभी देखें 1931 में महात्मा गांधी को हाथ में तो कुछ नहीं लगा है ना, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस भी वापस ले लिया था। जब वो इंडिया में आए तो इंडिया में आने से पहले ही जितने भी लोग गए थे महात्मा गांधी के साथ उनकी गिरफ्तारी शुरू हो गई थी, तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है ना। अब भाई बड़े सहंसा के बात आप नहीं मानेंगे, उनको ही आप नाराज कर देंगे, तो आइए आप इंडिया में आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो महात्मा गांधी जैसे इंडिया में पहुंचे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अब गिरफ्तार करके उनको भेज दिया गया पुणे, पुणे के जिस जेल में बंद कर दिया गया वो जेल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, उस जेल का नाम था यरवड़ा जेल। यरवड़ा महात्मा गांधी पहुंच गए यरवड़ा जेल। अब महात्मा गांधी पहुंच तो गए, इधर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी चल रहा था, बी आर अम्बेडकर भी वहां पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन इस बी आर अम्बेडकर के पार्टिसिपेट करने से पहले बी आर अम्बेडकर साहब या फिर ये जो आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो ये सब मिलके ये पहुंच गए पुणे है ना। तो अभी तो पुणे आप PUNE के नाम से लिखते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में इंग्लिश में आप जाएंगे तो ऐसा ही आपको लिखा हुआ मिलेगा,
और ऐसा ही आपको भी याद करना है कि महात्मा गांधी और, क्योंकि महात्मा गांधी और चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो या बी आर अम्बेडकर हो, इनके बीच में हो गया एक समझौता, और इस समझौता को जिस नाम से हमने जाना वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था पैक्ट, पूना समझौता। अभी ऐसा लगा कि भाई इरविन समझौता तो लंदन में हुआ, तो ये पूना समझौता भी किसी भी अंग्रेज के साथ ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये पूना समझौता इंडिया के अंदर ही जो दो अलग अलग कम्युनिटी थी, एक बी आर अम्बेडकर की लीडिंग कम्युनिटी, एक महात्मा गांधी की लीडिंग कम्युनिटी, इनके बीच में हुआ। दिस फेमस पैक्ट वॉज कॉल्ड पूना पैक्ट इन सेम ईयर, जहां पे हमने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में किया है। लिखें दूसरी बात, पूना पैक्ट वॉज इन बिटवीन, पूना पैक्ट वॉज इन बिटवीन महात्मा गांधी, पूना पैक्ट वॉज इन बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। अलग अलग नाम और भी हैं इसमें, बट बेसिकली दो फ्रंट यहीं पे था। राजेंद्र प्रसाद भी थे, जेएल नेहरू भी थे, सप्रू भी थे, है ना, बट अभी आप छोड़ दें। ये पूना पैक्ट जो दो अलग जो मेन लीडर थे उन्हीं के नाम से हम जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच येरवड़ा जेल पुणे में ये हुआ, इसका हमने पूना पैक्ट के नाम से जाना। क्या लिखा आपने, पूना पैक्ट वॉज हेल्ड इन बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर इन पुणे एट येरवड़ा जेल, इन पुणे एट येरवड़ा जेल कॉल्ड स्पेलिंग किस चीज का मैडम? वो कौन सा जेल? येरवड़ा जेल। अच्छा येरवड़ा, YERWADA येरवड़ा, है ना? और ऐसे भी जल्दी येरवड़ा जेल के बारे में, ये सेंटेंस जरा वापस बोल। हाँ बोलता हूँ, ऐसे भी जानने की पहला जो फीमेल है ना, बताया था थोड़ा सा इतिहास, पहला पूर्णतः जो विमेन जेल है वो येरवड़ा जेल ही है, बाद में कन्वर्ट किया है हमने, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि पहला फीमेल जेल कौन सा है, तो पूना वाला येरवड़ा जेल है। मैं क्या बोल रहा था कि पूना पैक्ट वॉज इन बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर इन पूना इन 1932, फेमसली कॉल्ड पूना पैक्ट, ठीक है? यस सर, यस। 1932 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसी कभी घटना, क्योंकि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, समझौता हो गया, तो दो तीन साल जो भारत का जो संग्राम है वो शांत रहा, कोई भी ऐसी बड़ी आंदोलन, कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ। और ये काम न होने के कारण भारत में भारतीयों के द्वारा चलाया जाने वाला कानून बनेगा, और इसकी रूपरेखा हम तैयार करने में लग गए थे, और ये रूपरेखा तैयार करने के कारण बड़े लेटर में लिख रहा हूं 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए अभी तक मैंने आपको एक्ट में सिर्फ और सिर्फ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात आपके साथ की थी मार्ले मिंटो रिफॉर्म के रूप में। अभी मैं लिख रहा हूं कि 1935 में क्या आया, तो बहुत सारे एक्ट होते हैं, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट होता है, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट होता है, या फिर साइमन कमीशन का एक्ट होता है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। यही वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसमें जब हम इंडियन पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत करेंगे और बताएंगे कि अगर 100% बातें हमने लिखा है, 100 जो लिखा है वो दिख रहा है ना, अगर 100% बातें हमने भारत के संविधान में लिखा है, तो उस भारत के संविधान में 80% जो फैक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। सोच ले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना बड़ा था और बनाया इसे ब्रिटिशर्स ने था, तो भारत के संविधान में बनाया गया लिखा, भारत के संविधान ऐसे बता दूं कि वर्ल्ड की लिखी हुई सबसे बड़ी संविधान है, बिगेस्ट लार्जेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में 80% की जो बातें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ली हुई है, और 20% जो बातें हैं वो अलग अलग देश से लिया गया है ना, डिफरेंट कंट्री के संविधान से चुरा लिया था, है ना, पहले ही से चोर थे तो हमने चुरा लिया, हमने फंडामेंटल राइट्स कहीं और से लिया, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज कहीं और से लिया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहीं और से ले लिया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कहीं और से ले लिया था। तो ये अभी आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ,
बट 1935 की एक्ट का नाम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 की जो एक्ट थी उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्यों मैं इतना स्ट्रेस देके बोल रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो समझे इन बातों को, क्योंकि यहां पे ऑल इंडिया फेडरल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। ऑल इंडिया फेडरल, फेडरल जैसी वर्ड पहली बार आई थी, ऑल इंडिया फेडरल सिस्टम बनेगा, संघीय एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, है ना, जो फेडरल सिस्टम है वो बनेगा, इसकी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कही गई थी। दूसरी बात डायर्ची सिस्टम, DYARCHY, डायर्ची सिस्टम को हमने एबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। डायर्ची क्या होता है, डायर्ची मिल सिस्टम, ड्यूअल मिस, दो कान है वो दो लोग बनाए एक साथ साथ मिलके, या उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो दो लोग करे एक साथ साथ मिलके, सिस्टम। हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे काम किया, मतलब जो प्रांत है उसके पास अपनी पावर होगी, जैसे आज स्टेट है ना, तो स्टेट के पास अपनी पावर होती है, कुछ पावर सेंट्रल के पास है, कुछ पावर स्टेट के पास है। तो प्रोविंसेस, उस समय स्टेट का कंसेप्ट नहीं था, प्रोविंसेस का कंसेप्ट था, प्रिंसली का कंसेप्ट था, तो प्रोविंसेस को हमने ऑटोनॉमस बनाया कि वो अपने आप की पावर से चल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों फैक्ट है, और ये तीनों फैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में आया है। ऑल इंडिया फेडरल सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट, डायरेक्टरी सिस्टम का एबॉलिशन, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमस जैसी बातें हैं, और यही वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है जहां पे हमने क्या दिया है, तो फेडरल या दूसरा प्रोविंसेस या कॉन्करेंट, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। ऑल इंडिया फेडरल सिस्टम में ये कहा गया कि अभी तीन टाइप की कानून बनेगी। एक जो कानून होगा वो फेडरल बनाएगा, मतलब उस कानून को बनाने का अधिकार सिर्फ ऊपर के सत्ता मोदी साहब के पास है। दूसरा प्रोविंशियल या स्टेट लिस्ट, इसके कानून बनाने का जो अधिकार है वो आपके ठाकरे साहब के पास है, दैट इज कॉल्ड स्टेट लिस्ट। और तीसरा एक ऐसा कानून जिसमें ये दोनों सरकार मिलके आपको कानून बनाएगी, दैट इज कॉल्ड कंकरेंट लिस्ट, इसी को हम समवर्ती सूची भी कहते हैं। और आज आज यही सिस्टम आपके इंडिया में चल रही है। देयर आर थ्री लिस्ट, वन इज कॉल्ड सेंट्रल लिस्ट, क्योंकि अभी फेडरल है नहीं, प्रोविंसेस है नहीं, इस कारण से फेडरल बिकम सेंट्रल, प्रोविंसेस बिकम स्टेट, कंकरेंट रिमेन सेम। जैसा कोई कानून बनाना है, पुलिस पे कोई कानून बनाना है तो सेंट्रल विभाग बनाएगी, एजुकेशन में कुछ कानून बनाना है तो स्टेट बनाएगा, लेकिन ऐसे मैरिज में कुछ बनाना है, डिवोर्स में कुछ बनाना है ना, तो उसमें दोनों सरकार मिलकर उस पर कानून बनाएगी। अभी साहब लिखना क्या है वो आप समझें। आप 1935 में सबसे इंपॉर्टेंट, आज की क्लास की सबसे बड़ी घटना और सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है वो यही है। आप इससे पुरानी सारी बात को भी दो मिनट के लिए भूल भी जाएंगे तो चलेगा, बट 1935 देखें, मैं जो बता रहा हूँ उसमें कितना ज्यादा मैं फोर्सफुली होके, फोर्स करके मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा 100%। ऐसा रेलवे के एग्जाम से संभवतः ऐसा कोई रेलवे के एग्जाम से नहीं हुआ जिसमें ये फैक्ट आपसे नहीं पूछा हुआ है। इस कारण से इतना ज्यादा फोर्स देके इस 1935 की घटना को मैं बता रहा हूँ। पहली बात, 1935 में जो एक्ट पास हुआ वो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। दूसरी बात, इस एक्ट में तीन बड़ी बातें हुई। पहला, ऑल इंडिया फेडरल सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट, दूसरा डायरेक्टरी सिस्टम का एबॉलिज्म, तीसरा प्रोविंशियल ऑटोनॉमस या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बातें। और इसको आप अगर थोड़े देर के लिए अगर भूल भी जाएंगे तो चलेगा, ये हम इंडियन पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे, जो पॉलिटिक की हम बात करेंगे उसमें हम देखेंगे कितने स्टेट लिस्ट में कितने नियम आते हैं, सेंट्रल में कितने आते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। बट ये जो ऊपर की तीन बातें हैं इसको संभवतः आप अपने एग्जामिनेशन के मेंस जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को याद रखिएगा। लिखें आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पहली बात 1935 लिखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंट्रोड्यूस्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंट्रोड्यूस्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंट्रोड्यूस्ड। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? अरे समझ में आ रही है क्या, लाइन पे है क्या कोई? यस यस सर। ओके ओके। अरे कुछ पांच मिनट तक आवाज नहीं आती तो मुझे लगता है क्या हो गया।
है ना, क्योंकि पुराना मैं वीडियो देखा, मैं बोला चला जा रहा हूँ, यहाँ पे जनता जो है वो परेशान है कि सर आवाज ही नहीं आ रहा है। आपकी भावनाओं को समझ हूँ कि मैं जब इंस्ट्रक्शन दे रहा था क्या करना है, उस समय आवाज नहीं आ रहा था। डोंट वरी, फिर से उसका सोल्यूशन आएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इसके अंदर लिखे, पहली बात, ऑल इंडिया फेडरल सिस्टम विल बी एस्टैब्लिश्ड। ऑल इंडिया फेडरल सिस्टम विल बी एस्टैब्लिश्ड। ऑल इंडिया फेडरल सिस्टम विल बी एस्टैब्लिश्ड। दूसरा लिखे, डायर्ची सिस्टम एबॉलिश्ड। डायर्ची, डायर्ची सिस्टम, डी वाई ए आर सी एच वाई, डायर्ची सिस्टम हैज बीन एबॉलिश्ड। रिजर्व और रेगुलर अलग अलग टाइप के कानून थे। बड़ी बातें हैं इंडियन पॉलिटिकल में, हम इंडियन पॉलिटिकल साइंस में पूरी बात देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ वो बात जो किसी न किसी आपके भारत के आजादी से नहीं, बात हम जानेंगे। डायर्ची सिस्टम हैज बीन एबॉलिश्ड। एंड थर्ड पॉइंट लिखे, प्रोविंसेस। प्रोविंसेस क्योंकि उस समय कंसेप्ट का कंसेप्ट नहीं था, जो स्टेट है उसका कंसेप्ट नहीं था, प्रोविंसेस का कंसेप्ट था, प्रिंसली स्टेट का कंसेप्ट। राजा महाराजाओं के द्वारा स्टेट चलाए जाते थे। जैसे आपने नाम सुना होता, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद सुना है ना, सुना है क्या स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला। yes, तो ये सब इतना बड़ा मतलब निजाम था, इतना बड़ा राजा था कि उनके नाम से बैंक चलती थी, है ना, बैंक ऑफ पाटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, है ना, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो वो सब प्रिंसली स्टेट था, स्टेट की कंसेप्ट उस समय नहीं थी। नेक्स्ट लिखे, प्रोविंशियल। प्रोविंशियल क्या बताया मैं, तीसरी बात क्या लिखा, क्या लिखा मैडम, फिर से बोलो। प्रोविंसेस वर मेड ऑटोनॉमस। हाँ, प्रोविंसेस मेड बिकम ऑटोनॉमस लिखे, बिकम ऑटोनॉमस। बस इतनी ही बात आपको आज के इस पार्ट में जानना है, जिसकी शुरुआत मैंने 1925 के बाद से किया था, और 1935 पे आपको रोक लिया हूँ आके, है ना। 1905 से लेके 1935 तक की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, दो मिनट में आपके साथ में करना चाहूंगा। एक बार आपको जगा देता हूँ, 1905 में हमने बंगाल को विभाजित किया था, दूसरा स्वदेशी आंदोलन हमने बीपीएल के द्वारा बनाया था, और तीसरा आपकी राखी दिवस आपके बीआर अंबेडकर ने बनाया, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। 1906 में मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट हमने किया था। 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था, जहां पे आपका क्या हुआ था सूरत का अधिवेशन में, कुछ याद है? अधिवेशन मतलब कॉन्फ्रेंस, सूरत सेशन, आईएनसी सूरत सेशन, क्या हुआ था उसमें? नरमदल करमदल सर। हाँ, आईएनसी का सेशन हुआ था, जहां पे कांग्रेस दो भाग में स्प्लिट हो चुकी थी, नरम एंड गरम, है ना, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। 1909 में हमने बताया, 1909 में हमने मार्ले मिंटो रिफॉर्म, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात की थी। 1911 में हमने दिल्ली दरबार जैसा लगाया था, तीसरी बार दिल्ली दरबार लगा था। उसके बाद हमने इंडिया के कैपिटल को भी ट्रांसफर 1911 में ही किया था। 12-13 में हमने गदर पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया, 14 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की, 15 में महात्मा गांधी का प्रवेश आपके इंडिया में हुआ, 16 में आपके मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू का एस्टैब्लिशमेंट किया, 16 में ही आपके इस बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में आपकी जिस क्रांति को उसने जन्म दिया उसका नाम था होम रूल लीग, मद्रास में एनी बेसेंट ने इसको लीड किया था। और 1916 में ही आपके एक और हुआ था, लखनऊ कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें नरम गरम और मुस्लिम लीग एक ही साथ साथ एक ही मंच पर आके खड़े हो गए थे। 1917 में चंपारण से पहले सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। 1917 के बाद 18 में हमने हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद से देखा था, खेड़ा विद्रोह हमने देखा था। 1919 में आपके रॉलेट एक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था, है ना, और 13 अप्रैल 1919 में हमने जालियांवाला बाग का बड़ा मैसेकर आपके जनरल डायर के कहने पे 379 लोग मरने के बाद उसके ऊपर हंटर कमीशन हमने बैठाया था। 1 अगस्त 1920 को हमने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। खिलाफत आंदोलन भी इसी कड़ी में आपके तुर्की चला था, और मोहम्मद अली और शौकत अली ने उसे इंडिया में लीड किया था।
1921 का इतिहास बिल्कुल खामोश है, कुछ भी हमने नहीं बताया। 5 फरवरी 1922 को, अरे जब ट्रेन चल रही है यार, उसको रोकते क्यों हो? बोलो। कुछ नहीं, बोल लीजिए सर। नहीं नहीं बोलिए आओ आप साहब, अब रुक गया, वेलकम हो गया ट्रेन, तो आप बोलो। आप तुम बोलो बोलो, अरे बोलो, कौन बोल रहे थे सर? शायद दिया होगा कि खिलाफत मूवमेंट 1919 में था कि 1920, वो हमने शायद 1919 ओके। अरे 1919 लिखवाया है ना वो, आपने 1920 में नॉन कोऑपरेशन के बाद खिलाफत मेंशन किया, तो थोड़ा कंफ्यूजन। नहीं नहीं, उस कड़ी, उसके बाद मैंने उस कड़ी में बोल दिया, तो वो कोरिलेट कर लेने का एक आध साल। तो आपके नोटबुक पर लिखा हुआ बिल्कुल सही है, मैं तो एक बस रिवीजन दे रहा हूं आपको कि चीजों को हमने पढ़ा है ना। ओके। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का हत्याकांड हुआ, महात्मा गांधी ने अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 12th of Feb 1922 को रोल बैक किया है। 23 में सी आर दास और आपके मोतीलाल नेहरू ने एक नई पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया, इसका नाम हमने स्वराज पार्टी दिया। 24 की इतिहास खामोश है। 25 में हमने आपके काकोरी ट्रेन रॉबरी की है। 25 की बातें आज हमने लिखी है कि साइमन कमीशन 1927 में हमने बताया। 3rd of December को साइमन कमीशन आपके इंडिया पहुंच चुका था, साइमन गो बैक का नारा लगाया, सॉन्डर्स जैसी बड़ी बातें हमने की है। उस स्टेटमेंट को भी हमने आपके साथ दोहराया है जो स्टेटमेंट लाल लाजपत राय ने लाहौर में मरने से पहले दिया था। 1929 में पूर्ण स्वराज का डिमांड हमने किया, रावी नदी जैसी बातें हमने आपके साथ बताई बट लिखवाया नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है रावी जैसी बात। 1929 के बाद हमने 31, 32 में क्रोनोलॉजी में आपकी फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है। सेकंड इज द ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जहां पे कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस की ओर से बीआर महात्मा गांधी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। बीआर अंबेडकर वाज द ओनली पर्सन जिसने ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा 1930 में हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी देखा, 240 माइल को भी हमने देखा, 384 किलोमीटर को भी हमने देखा, 78 फॉलोअर को भी हमने देखा, 24 डेज को भी हमने देखा और साबरमती से दांडी तक की यात्रा भी हमने की नमक कानून को तोड़ने के लिए, है ना। 35 में हमने बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके साथ देखी है, है ना। यहीं तक की बात हम आपके साथ आज रखेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, मेरे से 2 मिनट में पूछिए, आपके कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा, फिर आपके साथ मैं अलविदा कहूंगा। पूछो, किसी के पास कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, चले फिर। थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तीनों में बाबा साहेब अंबेडकर थे ना? Yes. भी थे ना, और yes, बाकी yes. के लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे कि सिर्फ ये बाबा साहेब प्रोमिनेंट थे, वो जानना था। नहीं नहीं मैडम, बहुत सारे लोग थे जिसमें बी आर अम्बेडकर लीडिंग में थे, है ना। तेज बहादुर सप्रू, जयकार, ये तीनों का नाम आप लिख सकते हैं अगर लिखने की इच्छा ज्यादा है तो। तेज बहादुर सप्रू, SAPRU, है ना, तेज बहादुर सप्रू एंड जयकार, JAYKER, तेज बहादुर सप्रू, जयकार एंड बी आर अम्बेडकर, ये तीन लीडिंग रोल में थे। बाकी इनको पहुंचाने गाड़ी वाले, वो साथ में सामान ढोने वाले और भी होंगे, बट ये तीन लीडिंग रोल में थे। यही तीन आपके एग्जामिनेशन के इर्द गिर्द आपको रहेगा, है ना। हालांकि ये दो नाम को मैंने अपने जेब में रख लिया था क्योंकि इन दो नाम को मैंने आपके नोट्स में डाल दिया है, लेकिन मेरा काम ये था कि आज कम से कम बी आर अम्बेडकर का नाम आपके जवाब पे होना चाहिए। इस कारण से मैंने तेज बहादुर सप्रू और जयकार का नाम मैंने मुंह से निकाला ही नहीं था, बट आपने पूछा है, इस कारण से मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और कुछ भी, कोई क्वेश्चन पूछिए, कुछ भी नहीं, चले फिर। आधे घंटे के बाद हम बैंकिंग क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, ओके। यस सर, थैंक यू।